निगाह यार तेरा कोई एतबार नहीं, और ये भी सच है मेरा कोई कारोबार नहीं। कीमतों पर तो हुकूमत का इख्तियार नहीं, क्योंकि महंगाई में चढ़ाव है उतार नहीं। फिर भी है हुकूमत चलती जा रही, लो फिर आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ सर। बड़ी प्यारी शर्ट पहनी हुई आपने। अच्छा, आज तो सी पैक के ठेकेदार लग रहे हैं। माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। चाइना से वैसे भी बड़ी मोहब्बत है। हाँ जी हाँ जी, मैं इन्होंने कहा जी चाइना का सदर है जी, वो कहते रहन दे यार मैं जैन मन बखा। मैंने बताया, मैंने कहा चाइना के सदर आ रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा। कहने लगे यार उनको फोन करके कहो मेरे लिए कि हैंड फ्री लेते हैं। चाइना का सदर पाणक्रम नु आके कह रहा है कि पुत्र लड़ाई छड़ दे, हुण अपने मुल्क वापस आ जा। कहिंदा मेरा वड्डा भरा पता नहीं चाइना का, मैं क्यों कहिंदा मैनू वेख के सड़ जांदा। जनाब मोहम्मद तौफीक भट्ट। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल ब्लॉगर मनाल मलिक। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह भट्ट साहब फिर तशरीफ लाए हैं जी। क्या बात। एक दिन मैंने इनके साथ गुजारा है, वो दास्तान पेश करना चाहूंगा जी। बट हैं गुजरांवाला के और एमपीए हैं पीएमएलएन के। दिन भर पॉलिटिक्स और शाम को चिड़े भून के खाते हैं। सारा वक्त सियासी जलसों में लंग जाता है। रात ढले जब थक जाते हैं तो घर जाके सो जाते हैं। सो जाते हैं। मुल्ला तीर ते शेर ने कठे, अरे मुल्ला तीर ते शेर ने कठे, कुर्सी दे लई फेर ने कठे, ते हुकूमत टुटन तक यारी इन्हां दी, रहने बाती देर नहीं कठे। मजबूत वादा किया ऐसा लग रहा है। अरे वाह। पीडीएम का कठ जोड़ चटान जैसा लग रहा है। जिन लोगों को सड़कों पे घसीटना था भट्ट साहब, आज उनसे प्यार कैसा लग रहा है? भट्ट साहब, ये सवाल का जवाब दूं? जी जी प्लीज दो, इधर दे दो। जिन लोगों को सड़कों पे घसीटना था, आज उनसे प्यार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। साहब मगर वैसे क्या बात है, हर बार आप आते हैं और आप दो तीन साल कम करके आते हैं, आप बाज नहीं आ रहे। आप माशाल्लाह, आप अपना बताएं ये कैसे आप कर रहे हैं? आप तो आज होटल के वेटर भी लग रहे हैं। कौन सी चीज आपको अच्छी लगी है इसमें से बताइए। देखिए आपकी लुक की भट्ट साहब, वजन तो गिरा ही था लेकिन साथ साथ कुछ शक्ल पे भी आपके एक रौनक आती जा रही है, ये क्या ये हुकूमत जाने की वजह से? आपको बताऊं, मैं जब यूरोप गया ना तो उधर मैं सोचता था लोग मुझे कहेंगे आप पीएमएलएन के एमपी हैं, तो मैं उधर गया तो मुझे लोग सबसे पहले ये कहते थे तुसी हो या ना जेडे मजाक उड़ाते जांदे हो। भाई मैं वही हूँ मगर मैं पीएमएलएन का एमपी हूँ। अच्छा, इसलिए आपके ये मजाक रात का स्टेज की आपकी और आपके सब दोस्तों की मोहब्बत की खुशी में थोड़ा बहुत आपको ये चेंज नजर आती है और मैं भी खुश होता हूँ ये स्टेज पे। मगर नहीं भट्ट साहब, इस बात के ऊपर फड़ाओ फिर इस्तीफा दिलाओ फिर कुर्सी। आपको पता नहीं हमने असली पे जमा करा दिया। अरे वो वाला नहीं, असली वाला दे हमारे पास। असली लिख के दिया हुआ अपना। काम शुरू करें फिर यहां पे हम। अगला इलेक्शन तुसी इस कुर्सी वास्ते लड़ना जी। उदास साहब, हां जी। जब उदास साहब की वालदा मोहतरमा, ये क्योंकि मेरे शहर से हैं जी, इनका नाम रखा ना उदास, तो उस वक्त ये अकेले ही उदास थे। अच्छा, पूरी कौम ही उदास हो गई।
इस पे मैं भी वापस आऊंगा। आपका क्या हाल है मैडम? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी। और क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा है, आप सब बहुत अच्छे हैं, आपका क्वेश्चन आंसर वाला सेशन बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अभी मैं देख रहा था कि मनाल, जब मैं व्हाट्सएप से बात कर रहा था तो आप बीच में तायद कर रही थी उसकी कि ये बड़े डिफरेंट लगते, तो आपको कैसे पता है? आपकी तो पहली मुलाकात नहीं इनसे? पहली मुलाकात है, बट ये पहले से ना स्मार्ट हो गए हैं। ये कैसे पता आपको चला? पहली मुलाकात है भाई। आपने क्या कहा कि अभी आपको कैसे पता चला? हमारी बात हो रही थी ना। आपकी क्या बात हो रही थी? क्योंकि इन्होंने चिड़े खाने भी कम कर दिए हैं, ये हमारे लिए भी नहीं लेके आए चिड़े। ये आपको कैसे पता है कि ये चिड़े? अच्छा, ये मेरी पहली मुलाकात को आखिरी मुलाकात भी बना दिया। मगर एक मिनट, अच्छा जी, तो चिड़े शिड़े तक बात पहुंच गई? हाँ जी। तो ये कैसे पहुंच गई? आपको कैसे पता था कि चिड़े से कोई ताल्लुक है इनका? क्योंकि मुझे पता है गुजरांवाला से, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा हमारे चिड़े कहाँ हैं सबके? आपने पूछ भी लिया? और मैंने कहा, जवाब क्या दिया ये भी पूछे ना? क्या जवाब दिया? मैंने कहा अगर आपके लिए चिड़े लेके आता तो मेरे घर से तोते उड़ जाने। अच्छा, तो ये बात आपने शुरू की थी इनसे या इन्होंने खुद ही शुरू कर दी? मिक्स ही था, पहले इन्होंने पूछा मेरे से, फिर मैंने इनसे आज तक। अच्छा, इन्होंने आपसे पहले पूछा? क्या की कसम, मैंने नहीं पूछा। आप रुक जाए जरा, बात सामने आ रही है। ये जो पर्दों के पीछे आप बातें करते हैं, अब सामने आ रही है। अच्छा, तो इन्होंने आपसे क्या पूछा? नाम वगैरह पूछा। अच्छा, नाम पूछा। अच्छा, फिर मैंने बताया, फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ हमारा, फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आप गुजरांवाला से, हमारे चिड़े कहाँ हैं सबसे पहले? अच्छा, आपने साथ ही इसरार आपने किया कि ये देखे गलत बात, आप हमारे लिए क्यों नहीं कुछ लेके? तो इन्होंने आगे से कहा कि तोते उड़ जाने थे? तोते उड़ जाएंगे। तो फिर आपने आगे से क्या कहा? मैंने फिर कहा कि चलें फिर, ये तो अब आपको यही बताएंगे, आप गिला शिकवा आप लोगों का बनता है इनसे। बट साहब, ऐसे ये बड़ी बात है कि आपने आते ही उनसे नाम शाम पूछना शुरू कर दिया? नहीं, मैंने उनका उनसे पूछा आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्यों मुझे... आपको आपका ऐसे क्या ताल्लुक है? आप नादरा में बोले ना, मेरी सुन लेना। इन्होंने मुझे जब बताया ना मेरा नाम मनाल मलक है, हाँ जी, मैंने कहा उनसे मलक है, इन्होंने कहा कश्मीर से। मैं कश्मीरी मलक हो, असि भी कश्मीरी, तो तुसी भी कश्मीरी? अच्छा, कश्मीरी मलक ने जनाब। अच्छा, मेरे से कभी आपने नहीं पूछी ऐसी डिटेल? आज फसा लिया तुसी। जो चौधरी आप है ना? हाँ जी। वो चौधरी वाला लिबास नहीं ना आज आपने पहना हुआ? आप मुझे गुज्जर चौधरी है, मुझे पता है। मैं गुज्जर चौधरी नहीं हूँ। नहीं, मेरे इलम में यही है वैसे। आपका इलम ही गलत चल रहा है। अच्छा, चलो ठीक है। आपने कभी क्लेरिफाई भी नहीं किया तो आज आप बता दें, मैं आपको पूछा। नहीं जी, नहीं, अब आपने उस दिल से नहीं पूछा जिस तरह आपने उनको पूछा। चौधरी टांगे चौधरी का साइड दे, मगर मुझे ये पता नहीं, ये वजन ऐसे नहीं कम हुए हुए, ठीक है? वजन तो बस कैसे कम किया? अच्छा, आपको ये नहीं बताया इन्होंने, तो बताइए ना उनको कैसे कम किया? वजन कम करने वाली बात बताऊं? हाँ जी, उनको बताइए उनका सवाल। वजन कम करने के लिए इसको फिर पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में नहीं आना, पॉलिटिक्स में ऑटोमेटिक वजन कम हो जाता है। नहीं, और दूसरी बात है, हुकूमत से भी जाना पड़ेगा फिर, अपोजिशन में आना पड़ेगा। आपकी पहले कभी मुलाकात हुई है पॉलिटिशियन से? नहीं। ये पहले पॉलिटिशियन है जो आपको मिल रहे हैं? अच्छे भी बहुत हैं ये। अच्छे भी बहुत हैं आप भट्ट साहब। आपकी जितनी कोशिश है ना वो नाकाम होगी। ये तो आपको गुजरांवाला वापस जाके पता चलेगा। ये भी बात है। तो मनाल, पहली बार इनको मिली आप, और आपने कहा कि बड़ा अच्छे हैं ये। बड़े अच्छे हैं ये, देखें आपके साथ पहली बार में मिलते हैं। हम लोग पहले ही मेरी तरफ देख के बात करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं मेरी तरफ देख रहे। अच्छा, मैं अब आपकी तरफ देख रहा हूँ। देखिए भट्ट साहब, बड़ी बुरी बात होती है, देखिए खातून आई हुई हैं और वो बात कर रही हैं आपसे, बार बार मुखातिब हो रही हैं और आप नहीं देख रहे उनकी तरफ। तुसी उधर क्यों नहीं भेजा नैब दे अफसर ने? ये बड़े अच्छे हैं। हाँ जी। फर्स्ट इंपैक्ट इनका ये आता है कि ये बहुत अच्छे हैं। बहुत आम जो पॉलिटिशियन जिस तरह का एक ज़हन में होता है इंसान के, वैसे ही वाले नहीं है, मतलब बड़े हंसमुख है और बड़े अच्छे से इन्होंने मुझे बताया बातें। इनको मैंने पूछा अंडे क्या रेट है, इन्होंने बताया 20 रुपए का एक अंडा हो गया। तो मैं सोच रहा था जो उस वक्त जब 5 रुपए का अंडा था, उस वक्त तो कैसर पिया साहब जब इनका शो नहीं होता था तो अंडे भी बेच के गुजारा कर लेते थे। अब ये 20 रुपए का अंडा आ गया, ये इनका कारोबार तो मठा हो गया। ये बात तो ये अंडों पे बात कहाँ से आ गई? मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा था, इन्होंने मुझे कहा था कि लगता है कि अगली दफा मरियम नवाज वजीर आजम बन जाएगी। अच्छा, ये इन्होंने मुझे कहा था। तो जब इन्होंने ये बात कही थी तो मुझे ये अच्छी लगना शुरू हो गई। मरियम नवाज को ज्यादा बना रही है जो। अच्छा, आपको ये पता है ना बात के कैमरे की ट्रिक होती है कि आपके जितने आपने जुमले बोले उस पर सब कट जाएंगे और सिर्फ ये लगेगा कि ये मुझे अच्छी लगना शुरू हो गई। अब एक और बात कर देता हूँ, वैसे है ये मेरी बेटियों की उम्र की है। अंडे भी अच्छा यानी कि डिस्कस हो चुके हुए हैं। प्रोग्राम तो बाद भाभी ने चिमटा फड़ के कहना तुझते मेनू मनारे पाकिस्तान तक कह के गए सो।
वैसे उन्होंने इनकी वाइफ ने ही नहीं रिकमेंड किया था मज़ाकरात में जाने। अच्छा ये भी मैंने इनको बताया है। सारी बातें तो कर चुके हैं, हम लोग क्यों आए? देर का आप मुझे कह रहे थे कि मज़ाकरात में दोबारा आए, तो मैं डरता आ नहीं रहा था क्योंकि आप बहुत तगड़े लोग हैं। तो मुझे कल मेरी वाइफ ने परसों कहा कि आप जरूर जाएं उस प्रोग्राम में, तो उनकी इजाजत से आया हूं मैं। और भाभी ने इन्हें कहा कि उस प्रोग्राम में तो मैं तो इज्जत कर दी। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, फिर भी बने ना बात तो डर जाना चाहिए। वो जिनको बजाहिर नहीं अंजाम की परवाह, सच है कि उन्हें डील गायब आना चाहिए। वो आज भी कहते हैं कि घबराइए नहीं, लेकिन हमें लगता है कि घबराना चाहिए। आहो जी आ वेलकम बैक टू मज़ाकरात। मनाल ये बताएं, मॉडलिंग भी कर रही हैं, ब्लॉगिंग भी कर रही हैं, सो यू वांट टू गो अहेड इन दिस फील्ड या वापस अपनी डिग्री की तरफ आएंगे जो एचआर में थी? नहीं, मैं इसी फील्ड में जाऊंगी आगे। अब और आगे क्या करना चाहती हैं आप? एक्टिंग भी करूंगी मैं और ड्रामास में भी मैं चाहती हूँ आना। अच्छा, कोई आपके फेवरेट एक्टर्स हैं? बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास एक ही हैं? बस एक ही है, मुझे अच्छे लगते हैं। ओए होए, बिलाल अब्बास साहब आप एक ही हैं, बाकी पूरी इंडस्ट्री जो है वो इसको गायब हो गई है। एक ही हैं सर। हाँ। आप कोई आजकल टाइम मिल रहा है कुछ देखने का? पिछले को दो तीन चार माह में ना फारग टाइम ना वो टिकटॉक देखता हूँ वैसे मैं। अच्छा, टिकटॉक देखते हैं। अपनी कोई अपलोड की वीडियोस? पाँच छह की हुई है, मेरे बेटे ने बनाई, वो पांच छह बनाई हुई है बस वो ही है। अच्छा, कुड़ियां दी टिकटॉक वेखदे ने जदों भाभी वेख लेंदे ते उहनां नूं मुतमिन किंज करदे आ, वे कुड़ियां नूं अजकल अकल ही नहीं हैगी, पता नहीं किस तरह दी बना। ओए उहनां नूं पता ही नहीं लगदा मैं लाई हुंदी है कान दे। जिस दिन भूल जाता हूँ लगाने, उस दिन फिर आप सच गए। आज तो मेरी ईद है। ईद क्यों? आज मनाल आई है ना। आप अच्छी भी हैं, देखिए आपने मॉडलिंग भी कर ली है। हाँ जी। लेकिन कि जिंदगी में सोचा ना कि आगे जाके जिंदगी किसके साथ बसर करनी है? जिंदगी जाहिर है लड़के के साथ ही बसर करनी है। कैसा लड़का होना चाहिए? सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए उसका, केयरिंग तो होना चाहिए, फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए। वो तो दास साहब का है। नहीं भाजी। अच्छा, रिस्पेक्ट होनी चाहिए दोनों में, मतलब के एक दूसरे को आप करके बुलाएं। हाँ जी। लड़ाई भी हो तो ऐसे कि आपने मुझे थप्पड़ मारा, बहुत मजा आया। और आस्था सा इन्होंने कह दिया ना, एक दूसरे को आप आप कह के बुलाएं, ये ना कह। आप ऐसे सेंस ऑफ ह्यूमर की बात तो नहीं कर रही थी? सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, केयरिंग होना चाहिए। आप मुझे बार बार कह रहे थे ना उधर देखें उधर देखें। जी। अब मैं उधर देख के इनको कहता हूँ गौर करे बेचारे पे, बहुत ज्यादा बेचारा कह रहा है, हर मेहमान को कहता है आप खुशी गौर करें और इधर आज प्रोग्राम में ना ऐलान कर दें आप। अभी तक किसी ने ऐलान नहीं किया। आज तो बीच एमपीए पे आ गया इस गल के बीच। गारंटी मेरी है, ये बहुत अच्छे हैं। वो जो आप लोगों ने पहले गारंटी दी थी ना वो तो पूरी की नहीं है, तो क्यों नई वाली दे रहे हैं? हम सारी गारंटियां पूरी करते हैं। कौन सी गारंटी? डेढ़ साल हो गया वो गारंटी गारंटी रो रहे हैं। इधर ही है मियां नवाज़ी साहब। इधर ही है? हाँ इधर ही है। अभी गड्डी च बैठे भाई। किधर? जिधर नवाज़ी साहब जाते हैं ना, गुजरांवाला गए थे ना, आपको नहीं नजर आया? जब मरियम जाती है तो नवाज शरीफ की शक्ल ही नजर आती है सबको उसमें। मैं छोटा सा एक आपके लिए पेश करता हूँ, बुरा ना मनाना लोको मेरी गल दा। जी जी। बुरा ना मनाना लोको मेरी गल दा, मेरे ते हुन मेरा जोर नहीं चलदा, मैं नहीं बोलदी ओ लोको मैं नहीं बोलदी, मेरे च नवाज शरीफ बोलदा। आपको कसम है कि बताएं, आपको लग रहा कहीं से एमपी हैं? ये मैं इस्तीफा निकाला? नहीं नहीं, इस्तीफा नहीं, एमपीए का ये मेरा कार्ड है। आपने भी कहा कि आप यूरोप गए थे, अभी तो किधर चक्कर लगा था? इटली वगैरह, ये इटली वगैरह कब की बात है? ये एक साल पहले की बात है। अच्छा, तो आप निकले और कोरोना आ गया? नहीं नहीं, जब हम गए थे तब कोई कोरोना शोरोना नहीं, नहीं, नहीं वही मैं कह रहा हूँ, आपके होते हुए तो नहीं था ना? ये हुकूमत वाले सारा दिन यही कहते हैं कोरोना आ गया कोरोना आ गया, कोरोना के बारे में प्लानिंग करनी है, और सारा कोरोना को बंद करने के बजाय हमें बंद कर रहे हैं। भट्ट साहब ने एक बंदे ने कहा जी कोरोना आ गया, कहते बैठक से भाव में आना। अगर नहीं आप इटली गए तो भट्ट साहब कैसा ट्रैवलिंग का शौक है वैसे? कोई काम से गए थे या वैसे फिर रहे? वैसे चले गए थे। नहीं तो वैसे यानी कि फिर शौक से गए ना, काम तो नहीं? दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ? कितने दोस्त? एक दो कलीग थे उनके साथ। एक दो कलीग थे उनके साथ गए? तो क्या किया आपने इटली? उधर वैसे एक बात मैंने देखी थी,
जो नया पाकिस्तान बनाने वाले जो लोग ख्वाब देखा था ना लोगों ने, वो यही देखा था कि यूरोप जैसी जिंदगी जिधर असूल हो, जिधर डिसिप्लिन हो, जिधर लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, कानून की हुक्मरानी हो, वो लोग भी डिसार देखे हैं मैंने। और उन्होंने जहाज से बड़ी शरारतें की थी, जहाज से इन्नी बार बैल बजा के उस ससू बुलाया, इन्नी बार बुलाया, एंड ते आके कहती मेरा नाम प्रवीण है और मैंने आवाज मार के बुला लेना। वहां से इंग्लैंड का भी चक्कर लगा या नहीं? नहीं नहीं, क्यों इंग्लैंड भी चले? बस कोरोना की वजह से नहीं गया, जाना था उधर। अरे मियां साहब ने मना कर दिया कि एक मुल्क च एक ही शेर रह सकता। ओए होए होए, वाह, आप वोट डालती हो? वैसे डालती हूं। आपने लास्ट टाइम जिनको डाला था वो जीत गए हार गए? हार गए। हार गए तो यानी कि वो फिर इनकी पार्टी के थे? इनकी पार्टी है। ओए होए, आपकी वोटर भी निकल आई हैं। चलो इनका शुक्रिया जी। आप इस वक्त जो हुकूमत है उससे खुश हैं? इतना ज्यादा नहीं। क्या चाहती क्या हम लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी इमरान खान से और लोगों को थी, उस पर वो है नहीं। वो बट साहब तो बातें भी आप लोगों वाली कर रही हैं। सही बात है ना, इस वक्त पूरी कौम यही बातें कर रही है। तो इन्होंने यही कहा था खान साहब ने कि मैं घर दूंगा, मैं नौकरियां दूंगा, अब कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। Jumbo, good. How are you? You know, last week was very happy week in my life. Oh, really? Mainu job mil gayi si ek jagah driver di. Acha. Yes, but zindagi de vich tension ne jive mera ghera hi kita hai. Acha. Jide ghar main job kiti. Aha. Unne mainu servant quarter ditta. That was a very nice room and attached bath. Nale na bijli da bill na gas da bill. ਉੱਤੋਂ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਟਾਈਮ ਖਾਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਇਹ ਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋ ਵਿਦ ਮੀ ਫੋਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਲ ਬੈਕ ਔਨ ਹਾਫ ਆਵਰ। ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਟਾਰ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਗਮਾ ਸੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 700 rupees ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ। ਬਟ ਮਾਈ ਬੈਡ ਲੱਕ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਾਰੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਪਰ ਹੀ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ? ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ। ਬਾਜੀ ਨੇ? ਬਾਜੀ ਨੇ ਏਡਾ ਉਹਦਾ ਭਾਰਾ ਰੋਗ ਨੀ ਨਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਵਜੀਏ ਚੰਡ ਮੈਂ ਐਨੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਹਾਂ ਪੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਬਾਜੀ, ਬਾਜੀ ਵਾਸ ਡਿਸਪੀਅਰ। ਓਏ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰ ਗਈ ਔਰ ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਚਪੇੜ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਚਪੇੜਾਂ ਯੱਕ ਲਖਤ ਵਜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਛਾਂ ਛਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਯਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਜੀਆਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜੇ ਸਕਦਾ। ਯੈਸ, ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। 12,000 rupees ਉਹ ਬੰਪਰ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈਦਾ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਜਾਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਟਰਲੇ ਟੁਰਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖੂੰਗੀ। ਸੋ ਵਟ ਯੂ ਡਾਈ ਦਿਓ, 24,000 rupees ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ। ਸਰ ਮਹਿਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਲਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਜਨ ਕੋ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਆਪਕੀ ਜੋ ਇਹ ਟੋਪੀ ਹੈ ਨਾ, इसके खिलाफ एप्लीकेशन होनी चाहिए नैब में। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आप आज तक कितने को पैसे इस टोपी में जा चुके हैं? एक बात क्लियर कर दूं, आजकल से जाते किधर? आजकल नैब वाले ना इंक्वायरी कर रहे हैं उस टोपी की जो कि आप लोगों के जमाने पर पहनाई गई थी। मैं तो पता नहीं कौन थे। आप वही ढूंढ रहे हो? नहीं, ये तो मैंने गिफ्ट की थी थी किसी दोस्त ने। पेशावर तो डैड मैंने गिफ्ट करने लगे। टोपी को ऊपर रखना चाहिए। ओ वो टंपाओ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓ। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣੇ ਹੀ ਵੱਜਣੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗ ਸੱਜਣੇ ਹੀ ਸੱਜਣੇ ਜੀ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਉਹ ਕੁਛ ਪਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ।
माफ करने वाली केड़ी गल है चपेड़ा में आजकल वो टिकटॉक पे ट्रेंड चल रहा है ना बाबा जी बिल्कुल बाबा जी सियालकोट मैं इसलिए कहा बाबा जी माफ करो बाबा जी अगली हुकूमत भी पीटीआई बाबा जी झूठ है जिथे भी मैं मियां साहब का नगमा गाया ना हजार रुपये होंगे नवाज शरीफ साहब के दीवाने अनगिनत है ना बिल्कुल और तुम्हें पता है मियां साहब कितने शौक से प्रोग्राम देखते भी हैं तो आज वो देख रहे होंगे कि उनका सिपाही यहाँ बैठा हुआ है और वो देखो करे जाओ गल नवाज शरीफ दी शुरू करो जी नवाज शरीफ साहब जी नारे वजने जी दोबारा सड़क टूटियां इंज लगता है जिवें जकूटा जिन फिर गया तेरे वर्गा सड़क टूट गया तबाह हो गया मियां साहब की जकूमत आई बस नेड़े नेड़े दोबारा गुजरांवाला सारा ढा के नवा बनावांगे गुजरांवाले जो तू गया चिड़ा खादा उ चिड़ा खादा खान लगा तो लोग वेख के कहने भरा भरा का दुश्मन हो जाए मुबारक होवे किस चीज की एयरलाइन खुल गई ने फ्लाइट धड़ा धड़ जा रही ने जी रात मेनू कॉल आई है लैंडलाइन यूके तो मैं यार लैंडलाइन तू कौन मेनू कॉल कर रहा है वो समझ ना आवे वो कढ़िया मैं अटैच केस दे विचों फिर सी एल आई लाई है मैं तार एकदम मैं वेख्या बड़े मियां साहब मेरी लव मैं फॉरन चुके मैं क्या सर आर्डर लाओ तो कहते ने कम टू मी एज सून एज पॉसिबल कदे ऐड डाला पहला लाया पंजवा लाया गेयर हैज बिन फारग सर गड्डी टुरी नहीं अच्छा ओ फिर मैं किसी को हाथ दे के मोटरसाइकिल से एयरपोर्ट ते गया ठीक है करके पहुंचा लंदन एयरपोर्ट ते पहुंच गया फिर मैं मैं गया ते अगे बेंच खाली कोई बंदा ही नहीं हाइड पार्क में हाइड पार्क मैं क्या मेरे नाल धोखा हो गया मैं फिर कॉल की मैं क्या सर तुसी दे ते है ही नहीं ओ मैनू कहंदे ने एवन फील्ड आ ओथे ठंड बड़ी है गया फिर मैं हीटर ला के बैठे सन आगे वड्डा मेज पिया सी 12 13 लैंडलाइन लगी हुई है मैं क्या सर व्हाट्सएप ते कॉल क्यों नहीं की थी मैनू कहंदे ने ऐस ता बोल व्हाट्सएप वाला ने किया सारा डाटा फेसबुक पे शेयर कर देंगे उस गल तो मैं नहीं की थी कॉल क्योंकि हर बंदा ते शेयर कर देंदा मैं क्या सर तुहानू डरन दी की लोड़ है भाई तुसी ते शेयर करदे ही नहीं ओ कहंदे ने लोकी करदे ने ओ फिर मैनू हां ना दा जवाब देना पैंदा दैट्स व्हाई मैं परेशान हां ओए होए ते मैं क्या सर दसो की करना है जी कहंदे ने सोशल मीडिया दे बारे मैनू कुछ दस ओके मैं क्या सर सोशल मीडिया दी एक स्ट्रांग जी टीम बनाओ ते ओनू कहो भी अपना काम संभाले ठीक है कहंदे ने बड़ी बड़ी बनाई है बड़ी बड़ी स्ट्रांग बनाई है लेकिन इमरान खान वाली ज्यादा स्ट्रांग है हाय मैं क्या सर सब तो पहले काम करो व्हाट्सएप दे ते अपनी फोटो चेंज कर दे अच्छा कहंदे ने ओ ते मैं फटाफट कर दीती सी मैं क्या पहले केड़ी सी कहंदे ने पहले मैं शेर दी लाई सी अच्छा ते मैं क्या हुण केड़ी लाई जे कहंदे ने इमरान खान दी ला दित्ती अपने व्हाट्सएप पर उनकी तस्वीर ये अच्छा है लेकिन देखो ये बड़ी कमाल दी गल उन्होंने कीती है भाई कोई बंदा कुछ कह ही नहीं सकता ते कहंदे ने हुण किस तरह करिए भी सारे नाल राबते ते रखणे ने मैं कहा सर कबूतर वाला जमाना दोबारा वापस लै आउणे ओए होए होए कबूतरां दीआं लत्तां नाल मैसेज बन के भेजांगे अगो वापस मैसेज आ जाएगा मैं कहते ने बेवकूफा कबूतर भी फड़े जाते हैं हूँ दसो मैं की उन्होंने दसा भी ये अपना पैगाम रसानी का सिलसिला जारी हो उनके आप सिपाही से पूछे ओ माशाल्लाह कौन ने यार तौफीक भट्ट साहब उन्होंने भाई कही दा हुंदा भी तौफीक भट्ट साहब भी नाले ये तो सारे दोस्त है ने माशाल्लाह तो सुनाओ आजकल तो सियासत टाप टाप जा रही है अच्छा आपको एक इन्फॉर्मेशन जो है ना गलत है उसकी मैं ठीक करना चाहता हूँ आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया इमरान खान का तेज है आपने भी बताया यस वो उलट हो गया हुआ अब अच्छा जी जो इमरान खान साहब का सोशल मीडिया था ना जो नया पाकिस्तान बनाने जा रहा था वो आजकल टिकटॉक बना रहे हैं तुसी भट्ट साहब एक ज़हीन अफसर ना गल कर रहे जी 10 3 महीने मोतर रहा जी
क्यों बड़े अफसर ने डाला दिता तो सवारियां पा के गुजर वाले लै गया यार मैं देखो फजूल गल ला देने मैं सवारियां नहीं लैके गया उतों के कुछ लोग खलोते सन उन्होंने मेरे को लिफ्ट मंगी सी लै गया उत्थे जाके 500 लिया लेकिन बड़े सख्त अफसर ने हवाला ते गोंदी नंगल लगे ते अंदरों एक बंदे ने चपेट मारी गुस्सा नहीं चढ़िया अगो कहन डिया गुड शॉट जावे क्योंकि अगो थी गिरफ्तारी आ रही है मतलब है मुझे गिरफ्तार करने है तो मैंने धरना दे देना नहीं वो जैसे उन्होंने बताया ना बाबा जी सियालकोट वो मैं कह रहा बाबा जी धरना करो अपने जलसे दूर पट दो असं थोड़े नाल होवांगे इंशाला ते होना कुछ भी नहीं वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी तो 2020 का आगाज करते हैं भट्ट साहब आधी रात का वक्त है घर पे कोई मौजूद नहीं है और आपके फोन में सिर्फ एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है वो एक कॉल अपने फोन में से आप इनमें से किन को करना चाहेंगे ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं शहजाद अकबर और शहबाज गिल शहबाज गिल ठीक है ना चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में दो सीटें हैं एक अपनी है दूसरे पे किसी और को लेके जाना है किसको चांद पर लेके जाना चाहेंगे जिसको लेके जाएंगे वो वापस नहीं आ पाएगा ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा आसिफ और जनाब खुर्रम दस्तगीर ख्वाजा आसिफ साहब आपको चांद पर छोड़ देना चाहते हैं ये लोग आजकल अंदर रहना ना गड़ा देखना प्रोग्राम ये बताएं टाइटैनिक पर जा रहे हैं दो वीआईपी पास हैं एक अपना है व्हाट्सएप दूसरे पे किसी और को लेके जाना है किसको लेके जाना चाहेंगे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और उस्मान बुज़दार कोई खास वजह वो किधर जानते ही नहीं मैं हाँ चलो थला आ दिया ये बताएं आपने एक अकाउंट बनाया है टिकटॉक पे छुपकर अब आप इनमें से किसी एक को ओपनली फॉलो करेंगे किसी एक को आप छुपकर फॉलो करेंगे और किसी एक को आप ना देखते ब्लॉक कर देंगे ऑप्शन आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात सबा कमर और रेशम तो ये बताएं कि इनमें से छुप के किसको फॉलो करना चाहेंगे सबा कमर कौन है एक्टर हैं सबा कमर को छुप के फॉलो करना चाहेंगे ओपनली किसको छुपी हुई है मैं कौन सा जानता अच्छा ओपनली किसको फॉलो करेंगे मैं हो या जो है ना वो ओपनली कर ले उसको अच्छा तीसरी क्या रेशम वो ब्लॉक हो जाना है उसको आपने देखते ब्लॉक कर दे उन्हें ठीक है जी कर दिया ये बताएं सर गुजरांवाला से आ रहे हैं आप मोटरवे पे ठीक है जी स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं आप दो सीटों वाली होती है छत खुली हुई है ऊपर से उसकी और अब आप जा रहे हैं और आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं इनमें से किन को लिफ्ट देना चाहेंगे आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान और डॉक्टर फिरदौस आशिकवान चौहान ही ठीक है जी ये बताएं सर डूबती कश्ती है दो लाइफ जैकेट हैं एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मनाल मलिक और मैं बेचारी सात बच्ची आपने उनको दी नहीं वहां मोटर करो आगे छड़नी है मगर देख ले मनाल देखिए ना अभी काय बेटी की तरह है और अब देखिए मुझे बचाया भी नहीं देखा नून लीग वालों की बातें ही होती हैं सिर्फ बेटी की तरह ही मगर आपने जैकेट मुझे दे दिया आखिर में कोई बात नहीं इसको उन्होंने फर्नीचर ला देना तुझे वेरी गुड जी मनाल आधी रात का वक्त शदीद बोरियत का आलम फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल वाड़ा और जनाब आमिर लियाकत साहब को कॉल होगी बताएं फिर लिफ्ट में एंटर हुई है तीन लोग मौजूद हैं एक के साथ सेल्फी है एक को स्माइल है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इफ्तिखार ठाकुर अकरम उदास और कैसर पिया तो ये बताएं सेल्फी किसके साथ है अकरम उदास के साथ स्माइल किनको दे रही हैं कैसर पिया और किनको कह रही है कि आपका फ्लोर आ गया है ये बताएं फिर टाइटैनिक पर जा रही हैं दो वीआईपी पास हैं एक अपना है दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं किसको अपने साथ टाइटैनिक पर लेके जाना चाहेंगी ऑप्शंस हैं आपके पास फयाजुल हसन चौहान और जनाब उस्मान बुज़दार को कोई खास वजह
वैसे अच्छे हैं, ठीक है, हमारे सीएम भी हैं और इनको लेके जाना चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब का टाइटैनिक पर आज दोनों तरफ से उनको लेके जाया गया। वेरी गुड। ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती में आप भी हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको देंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है कैसर पिया और तौफीक भट्ट। कैसर पिया को बचा, उन्होंने भी तो जुल्म किया था ना भट्ट साहब। तब मेनू फर्नीचर भी तो पा गया ना भट्ट साहब। थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह बहुत मजा आया आपके साथ। आपका इमनाल बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या सुना रहे हैं?